नमस्कार। आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, नींबू वर्गीय फसलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। ये खाने में स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए भी लाभकारी होते हैं। इस समय नींबू वर्गीय बागानों में कुछ फल तैयार हो चुके हैं जिनको बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है, कुछ तैयार हो रहे हैं। आगे इनका उत्पादन अच्छा बना रहे इसके लिए समसामयिक कार्य के अंतर्गत हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं ताकि उत्पादन अच्छा हो और किसानों को लाभ मिले। नींबू वर्गीय फल, जैसा कि आप जानते हो, ये एक फलों का समूह है। इसमें कई प्रकार के फल आते हैं, तो इनकी सबसे पहली विशेषता तो ये है कि किसान भाई इनको लगाकर वर्ष भर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका पोषक तत्वों के हिसाब से इसका विश्लेषण किया जाए तो इसमें कुछ फसल ऐसी है जैसे ग्रेप फ्रूट में निमोलिन और नारंगिन तथा एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो फल हैं, नींबू वर्गीय फल है, इसमें जो चूँकि स्कार्बिक एसिड होता है और एंटी प्रत्याक्सी कारक होते हैं, तो जो हमारी जो शरीर की रोग रोधक क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। और विशेष तौर से जो हमारा ग्रेपफ्रूट और चकोतरा है, ये जो टाइप 2 डायबिटिक हैं उनको भी नियंत्रित करने में काफ़ी कामयाब होता है। तो इस तरीके से इनका आज बहुत ज़्यादा बाजार में प्रचलन बढ़ रहा है। आप लोग अगर इनको लगाए हैं तो इनकी व्यवस्था इस प्रकार से करें जिससे अधिक से अधिक आपको उपज मिले, जिससे उपभोक्ताओं तक आप अधिक से अधिक ये फल पहुंचा सकें। जितने भी फलों के हमने नाम लिए हैं, इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि रस बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें अगर इस समय जब बारिश ख़त्म हो चुकी है, अगर हमारी ज़मीनों में पानी नहीं रहेगा तो फलों से पानी वापस आने लगता है, जिससे फलों की गुणवत्ता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसका बाज़ार मूल्य कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पानी का इस समय प्रबंधन अच्छी तरीक़ा से करेंगे, उचित नमी बना के चलेंगे, तो फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहेगी। जिन किसान भाइयों ने टपक सिंचाई विधि लगा रखी है, वो कम से कम एक दिन के अंतराल से टपक सिंचाई जरूर लाएँ, जिससे उनके बागों में उचित नमी बनी रहे और उससे फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी। दूसरा ये है कि अगर जो लोग थाला विधि से सिंचाई कर रहे हैं, कभी भी आप पौधे से पौधे को ना जोड़ें, क्योंकि अगर एक पौधे में कोई भूमिजनित रोग आता है तो वो दूसरे पौधे में फैलने की उसकी संभावना बनी रहती है। इसलिए दो पंक्तियों के बीच में आप नाली बनाएं और उससे पानी ले जाके पौधों को अलग अलग थालों से जोड़ें। थाला जोड़ने के बाद, क्योंकि मुख्य तने के संपर्क में पानी ना आए, इसलिए तने के चारों तरफ आप मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि अगर मुख्य तने के संपर्क में पानी आएगा तो उससे जो फाइटोप्थोरा बीमारी है उसके फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे आपके नींबू वर्गीय बागानों की उम्र काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सिंचाई लगाएँ और बहुत ज़्यादा पानी ना दें, जिससे कि जो रोगों के फैलने की जो संभावना है वो कम रहे। इस तरीके से अगर इस समय आप एक सप्ताह में अगर आप सिंचाई करते रहेंगे तो निश्चित तौर से आपके फलों की गुणवत्ता और जो फल गिरने की समस्या उससे भी काफ़ी आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा आपको ध्यान देने का प्रायः देखा गया है, जो हमारे मीठे नींबू वर्गीय फल हैं, जैसे मौसम्मी है, संतरा है, ग्रेपफ्रूट है, इनमें क्या होता है कि एक जो फल मक्खी होती है वो डंक मार देती है। वैसे तो आप लोगों ने ये जो फल मक्खी के रोकने के उपाय किए होंगे, उसके बावजूद भी अगर फल मक्खी ने आपके फलों पे डंक मार दिया है तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जहाँ पर फल मक्खी अंडे देती है वहाँ पे एक काला धब्बा बनता है, उसी जगह से फल सड़ना शुरू करता है और फल पकने से पहले ही गिर जाता है। अगर फल को आप काटेंगे तो उसमें से सफ़ेद रंग का छोटा सा लार्वा दिखाई देगा। तो इनकी रोकथाम करने के लिए जितने भी फल आपके बागों में गिरे पड़े हैं, जो फल मक्खी के कारण गिरे हैं, उनको आप इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद गड्ढा खोद के उनको दबा दें, जिससे उनकी जो जनसंख्या है वो आगे वाले आने वाली फलत में बहुत कम हो जाए, जिससे आगे वाली फसल आपकी इन मक्खी से बचाई जा सके। ये जो एक मिलीबग की समस्या कहीं कहीं देखने को मिलती है, तो इसके लिए किसान भाई अक्टूबर और नवंबर में
क्लोरोपायरीफास का प्रयोग थालों में कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम जो उसके मादा ने जो अंडे दिए होंगे उन अंडों को मारा जा सकता है, हर की खुदाई से क्लोरोपायरीफास को आप उसमें मिला सकते हैं। तो इस तरीके से इसका भी निदान हो सकता है। बारिश में अगर किसान भाइयों ने उचित जल निकास का प्रबंधन नहीं कर पाए या उनके बागों में पानी काफ़ी दिन तक भरा रहा है तो एक समस्या फाइटोप्थोरा की है, उसकी आने की पूरी संभावना है। तो ये अच्छा है कि समस्या आए उससे पहले उसका निदान किया जाए, क्योंकि जब फाइटोप्थोरा लग जाता है तो उसको नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अगर आपके बागों में नहीं आया है फाइटोप्थोरा, तब भी आप एक बोर्डो पेस्ट होता है उसको आप घर पर बना सकते हैं। उसमें कापर सल्फेट 1 किलोग्राम 5 लीटर पानी में घोलें एक बाल्टी में, और 1 किलोग्राम चूना बिना बुझा हुआ चूना दूसरी बाल्टी में 5 लीटर पानी में घोलें। रात भर इसको रखा रहने दें, सुबह इन दोनों को मिला लें तो आपका बोर्डो पेस्ट तैयार हो जाता है। और जो पुताई करने वाला जो कूची होती है उससे आप कम से कम 2-3 फीट तक अपने जो तना मुख्य तना है उसकी आप पुताई कर दें। और पुताई करते समय ये ध्यान रखें कि थोड़ा ज़मीन पर भी गिराएं कि ये फफूंदनाशी का भी काम करता है। तो इस तरीके से जो ये फाइटोप्थोरा फैलने की समस्या है इससे आप बच सकते हैं। अगर आपके बागों में कहीं पे दिखाई दे रहा है फाइटोप्थोरा के लक्षण ये होते हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं, वो गिरने लगती हैं, गोंद निकलने लगता है और जो मुख्य तना की त्वचा है वो फटने लगती है, फल बहुत ज़्यादा आएंगे और बहुत जल्दी गिर जाएंगे, फूल बहुत ज़्यादा आएंगे, ये कुछ मुख्य लक्षण हैं। अगर इस तरीके की समस्या आपके उसमें है तो एक रसायन है जिसको हम रेडोमिल कहते हैं, रेडोमिल का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर, और अगर आपका पौधा 8 से 10 साल का है तो 30 से 40 लीटर पानी उसके थाले में चारों तरफ भरें, क्योंकि ये जो भी रोग है ये ज़मीन से होता है और जड़ों को सड़ाता है। तो इस तरीके से ये क्रिया आप हर महीने अगर पुनरावृत्ति इसकी करेंगे तो जो फाइटोप्थोरा से ग्रसित पौधे हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। दूसरा ये है कि इसी घोल का आप छिड़काव भी कर सकते हैं, इसी सांद्रता का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता का बना के उसी का आप छिड़काव भी कर सकते हैं। क्योंकि नींबू वर्गीय फलों में बहुत सारे फल आते हैं तो इनका जो तोड़ने का समय है वो भी जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी तक जाता है। तो अभी इन कुछ फल हैं जैसे ग्रेपफ्रूट है, मौसमी है, माल्टा है और नींबू है। ये नींबू का तुड़ाई बंद होने के कगार पे, जबकि ग्रेपफ्रूट और मौसमी की तुड़ाई शुरू होगी 15 अक्टूबर के बाद, किसान भाई इनको तोड़ सकते हैं। तो अच्छा मूल्य लेने के लिए थोड़ा तोड़ने के समय भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप नींबू ये ग्रेपफ्रूट या मौसमी को डंठल के साथ तोड़ेंगे तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो भंडारण क्षमता है, वो भी अधिक होगी और बाज़ार में उसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। दूसरा ध्यान देने योग्य बात यह है कि तुड़ाई से कम 1 महीना पहले आप किसी भी कीटनाशी या फफूंदनाशी का छिड़काव ना करें, क्योंकि ये कोई भी अगर आप केमिकल डालेंगे तो उसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट जो है उसको ख़त्म होना चाहिए, तब आप फलों को बाज़ार में ले जाएँ, जिससे जो हमारा उपभोक्ता है उसको भी आप एक अच्छी गुणवत्ता वाला फल दे सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ने इसी वर्ष जुलाई अगस्त सितंबर में नए पौधे लगाए होंगे तो नए पौधों में भी इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नए कल पौधों में फुटाव बहुत निकलेगा। तो अगर आप इस समय फुटाव नहीं तोड़ेंगे तो आपको ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा हमारा खाने वाली शाख है और कौन सा मूल ग्रंथ है। तो इस समय आप ध्यान रखें जहाँ पे कलकायन हुआ है उस शाखा को छोड़कर उसके अलावा मूल ग्रंथ से जहाँ पर भी कोई शाखा निकल रही है उसको आप ज़रूर निकाल लें। यही कार्य आप पुराने पौधों में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जल प्रवाह हैं जो ये पुराने पौधों में भी निकलेंगे तो इनकी पहचान है, ये तिकोने आकार के होते हैं, इनकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं और मुख्य तने से निकलते हैं। तो मुख्य तने से निकलने वाली ऐसी शाखाओं को आप पुराने पौधों से भी निकाल दें, और निकालते समय आप कापर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो पेंट का लेप जरूर लगाएँ, जिससे फफूंदजनक बीमारी फैलने का खतरा ना हो। यहाँ पे आप नींबू वर्गीय फलों का अगर प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर से आपको आगे जो फलत मिलेगी, आपको जो आमदनी मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी।
किसान भाइयों, इस समय देश के विभिन्न राज्यों से महिला शिल्पकारों ने यहां प्रदर्शनी लगाई है और अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आइए देखते हैं। कला के नजरिए से बेहद समृद्ध भारत में हर स्तर पर विविधता देखने को मिलती है। कला का यही मोहक और अनुपम स्वरूप देखने को मिला नई दिल्ली के आगा खां हॉल में आयोजित शिल्प कला उत्सव 2017 में। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड को थीम स्टेट के रूप में इस बार रखा गया है। ये उत्सव राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाला महिला कलाकारों का एक बड़ा शिल्प बाजार है। अखिल भारतीय विमेन कॉन्फ्रेंस की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य महिला कलाकारों को बड़ा मंच प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अखिल भारतीय महिला परिषद के तत्वाधान में ये हमारा 7वां शिल्प कला उत्सव है। इस बार का हमारा जो टेंट, हमने क्या एक थीम लेके चले कि उत्तराखंड को हम लिया जाए, जिसको कि हम देव भूमि कहते हैं। जब देवों की भूमि है तो एक थीम लेके शुरू करा गया। और फिर दूसरा, इस शिल्प कला उत्सव में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं, जिनको कभी मौका नहीं मिला कि वो अपने घरों से बाहर आएं, वो बाहर आती थी, अपने उद्योग बनाती थी, लेकिन उनको समस्या रहती थी कि बाज़ार में उनके सामान की बिक्री नहीं हो पाती। तो एक अखिल भारतीय महिला परिषद ने एक उनको प्लेटफॉर्म ऐसा दिया, और वो भी दिल्ली राजधानी में, कि जहाँ एक शायद उनका सपना साकार हुआ कि वो भी अपने लायक समझती हैं कि दिल्ली में आकर हम और जो कारीगर हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। यहाँ उत्तराखंड के साथ साथ 16 और राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर वहां के लोकप्रिय उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में देखना अपने आप में सुखद बन गया। यहां कई ऐसी महिलाओं ने भी स्टॉल लगाया जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और खुद आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। हमारे यहाँ बैग बहुत तरह के, जितने भी वैरायटी हैं सारे हमारे यहाँ बनते हैं बैग्स। जूट बैग, कपड़े के बैग, ये छोटे पेंसिल पाउच है जिस टाइप के, दादी के बटुए, हर तरह के बैग बनते हैं, और इनकी ट्रेनिंग भी हम देते हैं सब महिलाओं को। स्वास्थ्य के नजरिए से बेहद अहम शहद की विशेष रेंज यहाँ देखने को मिली। अच्छा शहद कई बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक हनी है। हम लोग रॉ हनी सेल करते हैं, विदाउट हीट, विदाउट प्रोसेस, क्योंकि हीट करने से हनी के कुछ मिनरल्स कम हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एज इट इज जो नेचुरल है, हनी विद बीज वैक्स विद पोलन ग्रेन पब्लिक तक पहुंचे, कस्टमर तक पहुंचे। हमारा जो ग्रुप है वो भी वुमेंस का ग्रुप है। वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उन्होंने यहाँ अपने एफर्ट्स पे, टोटल सारे अपने एफर्ट्स पे हमें यहाँ भेजा है, और आई फील गुड क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स है और यहाँ एक अच्छा एटमोसफेयर देखने को मिल रहा है कि सारा मैनेजमेंट भी महिलाओं के हाथ में है, शॉपकीपर भी महिलाएँ हैं, और बायर्स भी ज़्यादातर महिलाएँ ही हैं, जेंट्स तो बहुत कम दिखाई दिए। भारत के अलग अलग राज्यों के परिधानों की खासियत से भी यहाँ रूबरू होने का अवसर मिला। इन ड्रेसेस के सहारे लोक संस्कृति के कई रंग भी देखने को मिले। बिहार के भागलपुर का सिल्क दुनिया भर में मशहूर है। समय के साथ इसके निर्माण में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, जिससे इसे नया आयाम भी मिला है। नया किया, जो आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है, फैशन जिस तरह से डेवलपमेंट मतलब बढ़ते जा रहा है लोगों का, तो उस तरह से फैशन डिजाइनिंग का इसमें डेवलपमेंट किया है। साड़ी में किया, दुपट्टे में किया, कुर्ता का जो होता है ये नया जैकेट्स बनाया है, ये कुर्ती जो आजकल फैशन डिजाइन चल रही है उसके हिसाब से, जो आजकल ट्रेंड है उस हिसाब से हमने कुर्ती में स्टोल्स वगैरह है ये उस पर प्रिंट किया,
कुछ अलग अलग ऐसा ऐसा किया है जिससे कि उसका मार्केट और ज्यादा उसका मिल सके। उत्तराखंड के दोनों इलाके गढ़वाल और कुमाऊं के स्वादिष्ट व्यंजन का भी स्वाद यहाँ लिया जा सकता है। इस कार्यक्रम के सहारे महिलाओं को एक ऐसा मंच दिलाया गया है जहाँ वो अपने हुनर के सहारे जीवन में उन्नति और तरक्की का रास्ता तलाश रही हैं। इस साल हमने खास थीम उत्तराखंड का रखा है, जहाँ से करीब 28 लेडीज, टोटल 81 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, जिसमें से 28 लेडीज उत्तराखंड से आए हैं। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ, मसाले इत्यादि के साथ साथ क्राफ्ट, ऐपन, बास्केट, रिंगाल के सामान, तांबे का सामान लेकर आए हैं, और यहाँ का जो कल्चरल प्रोग्राम है वो भी हमने किया है, ताकि एक छोटा सा उत्तराखंड हमने यहाँ तैयार किया है ताकि दिल्ली वाले उत्तराखंड को जान सकें। यहाँ हमारी कोशिश यही रहती है कि महिलाएं अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुनाफा कमा सकें। कुछ महिलाओं ने लोक संस्कृति की समृद्ध परंपरा को आगे ले जाते हुए उसे एक नई ऊंचाई दी है। हम लोग पूरा खड्डी पे ये सब बनाते हैं सारी महिलाएं मिलके, और पुरखों से चला आ रहा है। हमारे ससुर जी भी हैं नेशनल एवार्डी और शिल्प गुरु खलील अहमद हैं, और उसके बाद हम भी नेशनल एवार्डी और मेरे हस्बैंड भी नेशनल एवार्डी हैं। इससे हम लोग को मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने वाली लवीना ने वर्तमान में अपने साथ कई महिलाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया है। मैंने ये काम घर से शुरू किया, इसे मैंने केवल मात्र 1500 रुपए की राशि से शुरू किया और घर घर में मैं अपना बना के बेचती थी। धीरे 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 मैंने अन्य जहाँ लेडीज ग्रुप होते थे वहाँ पर जाके डिस्प्ले करना शुरू किया। उससे मुझे ये लाभ हुआ कि मेरे लोग सामान की डिमांड करने लगे। अभी मैं किसी दुकानदार को न देकर अपना सामान डायरेक्ट बेचना पसंद करती हूँ। आज मेरे साथ 5-6 लेडीज और जुड़ चुकी हैं जो मेरे साथ कटिंग में, पैकिंग में सहयोग करती हैं। बनाता सब सामान हम अपने आप ही हैं, और इसका मुझे ये फ़ायदा मिला है कि धीरे धीरे लोग मुझे अब पहचानने लगे हैं। बहुत मेहनत के बाद मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, और यहाँ पर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में मुझे इतना सहयोग मिला कि इन्होंने मुझे इतना प्रमोशन दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया, और यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ जैविक उत्पादों का आकर्षण भी देखते ही बना। लोग ले रहे ऑर्गेनिक माल समझ के बोल के ले रहे और कह रहे कि अच्छा माल है हम लेंगे, और जखे भी लाए थे वो बिक गया पूरा। ये हमारा कल पहाड़ी खीरा बहुत सारा था, ये भी बिक गया। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से यहाँ एक अनूठी पहल देखने को मिली। जो हाथ से बना हो, जो करीब से लिया हो, जिसमें सने भरा हो, वो चीज है स्वदेशी, वो चीज है स्वदेशी। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। मेरा चरखा ही जीवन है। मैं तिहाड़ जेल में चरखा सिखाया, और प्रयास में बच्चों को भी चरखा सिखा रही हूँ, और काफ़ी लड़कों ने सीख लिया, और जगह जगह स्कूलों में चरखा सिखाते हैं। अभी जाकुर सेन कॉलेज में 10-12 लड़कियों को मैंने चरखा सिखाया, और वो बहुत खुशी से चरखा काटते हैं। इस उत्सव में उन महिलाओं ने भी हिस्सा लिया जो सरकार की योजनाओं से लाभ लेकर सकारात्मक प्रगति कर रही हैं। जैसी ये सामान हमारा पहले घर के लिए यूज करते थे, अब हम इस सामान को बाहर जाके प्रदर्शनी में, मेले में जाके हम इनको बेचते हैं। इनको बेच के, और जो पहले हम लोग घर का काम करते थे, एक दूसरे की दिहाड़ी करते थे, गांव के लोग हम गरीब लोग थे, जब हम दिहाड़ी नहीं करते तो हम क्या खाते, फिर हम दूसरे की दिहाड़ी करते थे तो वही पैसा हमको मिलता था, उसी को हम अपने सर्फ सामान को लेते थे, और उसी से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपना घर का काम काज खर्चा चलाते थे। और हम जब से हमने इस काम को डिजाइन द्वारा बनाया है, फिर इस को बेच के अपना घर का काम काज भी चला रहे हैं। राजस्थान से आए प्रतिभागियों ने समृद्ध परंपरा की अनूठी झलक पेश की।
पुरखों से ये जूती बना रहा हूँ। मेरे दादाजी ने भी बनाई है, मेरे पिताजी ने भी बनाई है, मैं भी बना रहा हूँ, मेरा लड़का भी बना रहा है। तो मैं 10-12 कारीगर भी ठहरा रखा हूँ, ये काम मैं ठेठ से कर रहा हूँ। अच्छी बिक्री होती है, जहाँ कहीं भी जाता हूँ राजस्थान के अंदर बहुत सेल करके लाता हूँ। और पूरा इंडिया के अंदर जा चुका हूँ और बच्चा का कनाडा का नंबर आया। उत्तराखंड का नृत्य और संगीत बेहद लोकप्रिय है। अपनी खास वेशभूषा और अनुपम शैली में यहाँ के कलाकारों की प्रस्तुति ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। पहले से जमाने से राजाओं को युद्ध में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसमें साज संगीत भी उसी तरह तलवार और ढाल है और बड़े वाला ढोल है जो लड़ाई के समय बजाया जाता था, और हर श्रृंगार जो सिंह में बजाते थे बहुत ज़ोर से, जो आह्वान देते थे लड़ाई के लिए। इस तरह के साज और संगीत भी वहाँ के जो टिपिकल संगीत है, बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, वो तरह तरह के वहाँ के संगीत लोक संगीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। किसान भाइयों, हमें आशा है कि आज के इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियों का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। फिर भी यदि कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा नंबर 801, दूरदर्शन भवन, फेस 2, कौपनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। तो किसान भाइयों।